हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी का कॉमिक विशेषांक, एक शहर कब्रिस्तान का तीसरा और अंतिम भाग। और उधर देखो, ओ माय गॉड, ये क्या है? ये कोई व्हील है जिस पर तबोला लिपि में कुछ लिखा है। इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। विजय, पीटर, तुम लिपि एक्सपर्ट हो, आगे बढ़ो। क्या इस लिपि का संबंध इन शवों से है? हो सकता है, सब कुछ असंभव हो सकता है। इतने शवों को देखकर मुझे झुरझुरी हो रही है, मगर इससे पहले कि हम उस लिपि को पढ़ पाते, इनमें अब कुछ शव और बढ़ जाएंगे। तबोला की शांति भंग करने का दंड भुगतना होगा तुम्हें। पर्चा तुम्हारी जान लेगा, मौत मिलेगी तुम्हें, भागो। एंथनी को यह सब बताते बताते पीटर का चेहरा पसीने से भरभरा गया था। बस एंथनी, उसके बाद हम भागकर लिफ्ट पर चढ़कर ऊपर पहुंचे और हमने मौत के उस दरवाजे को पहले की तरह बंद करके उस पर सैकड़ों टन रेत ढक दी। अब पता चल रहा है कि परछा में तबोला से ग्रस्त करके किसी तरह एक एक करके खत्म होने पर मजबूर कर चुका है। मौत अब तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है पीटर। पुलिस चप्पे चप्पे पर तुम दोनों की तलाश कर रही है, वो लोग तुम्हें ढूंढ कर मार देंगे। और तुम भी जानते हो कि तबोला वायरस से हुआ संक्रमण लाइलाज है, ये तुम्हें मारेगा जरूर। मुझे भी अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस जमी दोस्त तबाह का अंत मैं जरूर करूंगा। उसका रहस्य जरूर पता लगाऊंगा। उसे मैं ठीक ऐसे ही मारूंगा जैसे किसी हत्यारे को मारता हूं। काम, मैं चाहता हूं कि तुम इस काम में मेरी मदद करो। मरने से पहले एक अच्छा काम करो, मुझे वहां लेकर चलो। रेत के पठारों के नीचे दफन सैकड़ों हजारों शवों से भरे पिरामिड ने मेरे मन में भयानक कौतूहल जगा दिया है। उसे शांत करने में मेरी मदद करो। सोच क्या रहे हो? वक्त ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास। तुम ठीक कह रहे हो एंथनी, मौत एक अटल सच्चाई है। किसी का इससे सामना जल्दी होता है तो किसी का देर से। हाँ, हम तुम्हें वहां लेकर चलेंगे ठीक आधे घंटे बाद। का यही वो स्थान है एंथनी, रेत के इस पठार को हटाना होगा प्रिंस। ये काम तू बखूबी कर सकता है। कौओं की भीड़ जुट गई। का का मौत के उस पिरामिड का दरवाजा दिखने लगा। एंथनी, विजय, उधाड़ा और पीटर के साथ उस विशाल पिरामिड में समा गया। शैतान परछा किसी भी ओर से हमला कर सकता है, घबराओ नहीं। मौत का भय अब न तुम्हें रहा न मुझे है। वहां मौजूद सैकड़ों हजारों शवों ने एंथनी की आंखें चौड़ी कर दी। उन दिनों आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी मौतें एक साथ हुई? इसका रहस्य हम लिपि पर पढ़ने की चेष्टा करते हैं। विजय, उधाड़ा और पीटर तबोला लिपि को समझने की चेष्टा कर रहे थे। तबोला का रहस्य परत दर परत खुलने वाला था। जीवन का चक्र, हमारा विश्वास है कि मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है। एक भयानक महामारी ने तबोला की सभ्यता पर हमला कर दिया है। पूरी तबोला सभ्यता का नामो निशान तक मिट गया है। नागरिकों के शवों का जड़ी बूटियों के लेप लगाकर सुरक्षित रख दिया गया है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि एक दिन इन शरीरों में वास करती महामारी का अंत हो जाएगा। तब तांत्रिक तबोला स्वयं प्रकट होंगे और जीवन के इस चक्र को घुमाएंगे। तब ये सभी शव पुनर्जीवित होंगे। हम उस शुभ दिन की प्रतीक्षा करेंगे। मैं तांत्रिक तबोला का रक्षक परछा इन शवों की सुरक्षा का जिम्मा लेता हूँ। उफ था, महान तबोला की शांति भंग मत करो। महान तबोला प्रकट हो चुके हैं, वो जीवन के चक्र को धूलित करेंगे। था, आत्माएं जागृत होंगी। था, उफ, प्रिंस, तबोला पर झपटा, मगर का तबोला के जिस्म से निकली उस अदृश्य शक्ति ने उसे दूर उछाल फेंका। एंथनी, अगर तबोला इस व्हील को घुमाने में कामयाब हो गया तो तबाही आ जाएगी। तबाही तो आएगी, तबोला सभ्यता जीवित होगी। तबोला सभ्यता जीवित नहीं होगी शैतान परछा। हा हा हा, परछा को काटना चाहते हो? कोशिश सफल नहीं होगी। एंथनी तबोला की तरफ झपटा। मेरे जीवित रहते तू तबोला तक नहीं पहुंच सकता, तो फिर तुझे ही पहले खत्म करूंगा। तुझे मसल डालूंगा और तू भी तबोला से ग्रस्त होगा। यह समझ रहा है कि मुझे भी तबोला वायरस से संक्रमित कर देगा। उफ, मेरा मुक्का इसके शरीर के आर पार चला गया। इसका नाम परछा है, यह सचमुच परछाई है। मगर किसकी परछाई? उसे रोकना होगा विजय, उसे रोकना होगा। भाला उस तक पहुंचने से पहले आग की लपटों में घिर गया। एंथनी परछा से जूझ रहा था। इसे ठंडी आग से जकड़ने की चेष्टा करता हूं। आग से तू मुझे नहीं जकड़ सकता, हाथ से तू मुझे पकड़ नहीं सकता। था, एंथनी जहां आकर गिरा, ये तो परछा की मूर्ति है। ओ, परछा इसी की परछाई है। इसे खत्म करना जरूरी है, मगर कैसे? इस परछाई को कैसे खत्म करूंगा? ओ, ये क्या, इसकी गदा कहां लोप हो गई? जल्दी करो विजय, उसे रोकना जरूरी है। एंथनी परछा से जूझ रहा, मैं तबोला को रोकना होगा। विजय, उधाड़ा ने परछा की मूर्ति के हाथ से गदा उतार ली है, जिससे आक्रमणकारी परछा के हाथ में थमी गदा गायब हो गई।
प्रिंस भी उस हकीकत को बयान कर रहा था। कहाँ कहाँ? ओह हाँ, प्रिंस टू भी ठीक समझ गया। अब मैं इस परछाई को खत्म कर दूंगा, क्योंकि परछाई इसी मूर्ति की परछाई है। एंथनी को क्या हो गया? वो परछाई को खत्म करने के स्थान पर उस मूर्ति को लेकर कहाँ जा रहा है? नीचे ठीक उसी समय परछा गायब हो गया। यह कमाल एंथनी का है जो उस मूर्ति को उठाकर ले गया है। एंथनी इस परछा के रहस्य को समझ गया होगा। सॉरी, इसे यहां से बाहर ले जाऊंगा तो परछा यहां से स्वयं ही हट जाएगा, क्योंकि परछाई शरीर के आसपास ही रहती है। नीचे ठीक उसी समय परछा गायब हो गया। यह कमाल एंथनी का है जो उस मूर्ति को उठाकर ले गया है। एंथनी इस परछा के रहस्य को समझ गया होगा। तबोला को भी केवल वही रोक सकता है। यह शोर कैसा है? व्हील का चक्कर पूरा होने वाला है। भीषण शोर मच रहा था। उस दृश्य को देखकर विजय, उधाड़ा और पीटर की सांसें मानो समय से पहले ही रुक गई थी। ओ गॉड, हे भगवान, ये तो साक्षात नरक का दृश्य है। आत्माएं जागृत हो रही हैं। एंथनी ने तबोला को जीवन का चक्कर घुमाने से तुरंत न रोका तो वो उस लाइव व्हील को पूरा घुमाने में सफल हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो सभी हजारों शव जीवित हो जाएंगे जिनकी मौतें तबोला वायरस से हुई हैं, और जो तबोला वायरस से संक्रमित है। ये शब पिरामिड की धरती फाड़कर शहर में प्रवेश कर जाएंगे और भयानक नरसंहार मचा देंगे। तबोला वायरस पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा। एंथनी, एंथनी, तबाही आजाद हो रही है, कहो तुम? एंथनी जल्दी आओ। आ गया एंथनी। तबाही को आजाद नहीं होने देगा, इसे रुकना होगा, थमना होगा इसे। तबोला पर मेरी ठंडी आग असफल नहीं हुई, वो जकड़ रही है उसके हृदय को। यह अच्छा शगुन है, लेकिन लाइफ व्हील को उल्टा घुमाना होगा। क्रांच क्रांच, यह व्हील का प्रभाव है। आत्माएं वापस सुप्त अवस्था में जा रही हैं। था उफ, ये ठंडी आग से जकड़ा होने के बावजूद मुझ पर आक्रमण कर रहा है। इस व्हील को उतना ही वापस घुमाना होगा जितना तबोला इसे चला चुका था। एंथनी ने उसे सींगों से जकड़ लिया। तबाही को जिंदा करना चाहता था तू? अब देख, तबाही तो जिंदा होगी मगर सिर्फ तेरी। खचाक! ये तो कमांडर रघु बलवे है। हाँ, यहाँ से भागते समय शैतान तबोला मेरे शरीर में वास कर गया था, जो मुझे वापस इसी जगह पर ले आया था। उसकी सारी शक्ति इसी मुखौटे में थी। तुम्हारी ठंडी आग नरक की आग है। उसकी शक्ति ने मुखौटे की ताकत को कम कर दिया है। इसे फौरन नष्ट कर दो। काक! उफ, ये बचा नहीं, लेकिन हमें बचना है। यह स्थान अब तबाही के कगार पर है। तुमने मेरी जो मदद की उसे मैं भूल नहीं सकता। तुम दोनों उफ आ हमारे पास यही एक रास्ता था एंथनी, हमें भी इसी जगह पर दफन हो जाने दो। नहीं, उफ। फिर वो जगह तबाह हो गई, पिरामिड धस गया। सैकड़ों हजारों टन रेत के पहाड़ों ने उस गहराई को रेत में ब्रेड से पाट दिया, मगर एंथनी के सीने पर एक घाव था। हाँ प्रिंस, मैंने खुद को इतना विवश कभी नहीं पाया। काश मैं तबोला के शिकार निर्दोष लोगों को भी बचा पाता। गॉड उनके साथ ही उन हजारों तबोला नागरिकों की आत्माओं को भी शांति दे। प्रिंस भी क्या कहता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स डीजे में। तब तक के लिए धन्यवाद।